अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ा है याद है क्या? अरिथमेटिक मीन वगैरह डाल दिया क्या क्या? हाँ, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। हाँ वो तो लास्ट में पढ़ा था। हाँ टोटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इन जनरल सॉर्ट ऑफ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, इट विल ओनली टेक 2 मिनट्स। अगर कोई सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इन जनरल ए बी सी एंड सो ऑन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो ऑफ कोर्स बी माइनस ए शुड बी सेम है सी माइनस बी, और इसी को 2b = a + c बोल सकते हैं, बी का वैल्यू a + c/2 बोल सकते हैं। ये बी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, सो दैट इज द मोस्ट बेसिक। और जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a a + d, ऐसे जनरल सीरीज से tn, nth टर्म का फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक, a+n-1 to d। दैट इज राइट, tn इज a+n-1 to d। nth टर्म के बाद फिर टू अज्यूम 3 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे अज्यूम करते थे 3 टर्म्स? a-d, a+d, a+d, a+d। 4 टर्म्स के लिए a-3d, a-b, a+d, a+3d। यस, ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड। अदर देन दिस, अगर सम टू एन अरिथमेटिक टर्म्स, एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n/2 to 2a + n-1 to d। ओके, 2a + n-1 to d, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज n/2 टाइम्स plus n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सब यस इसपे सर। क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं nth टर्म पे, सम टू एन टर्म्स पे। आल्सो nth टर्म दिया है, nth टर्म गिवन है, तो सम टू एन टर्म्स ढूंढ सकते हो क्या? nth टर्म दे दिया है मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 डालोगे तो सारे टर्म्स मिल जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, n को 1 n को 2 n को 3 एंड सो ऑन, तो एंड सो ऑन वी कैन। गुड मॉर्निंग तने। उसके बाद सम टू एन टर्म्स दिया है तो nth टर्म कैसे ढूंढे उल्टा? चलेगा अगर an² + bn के फॉर्म में हो तो फॉर्मूला है सर डायरेक्ट हाँ a2n-1 + यस, b अगर Sn an² + bn के फॉर्म में रहेगा तो tn हो जाएगा। अच्छा है, याद है, a2n-1 + b a2n-1 + और b, कॉमन डिफरेंस रहेगा 2a। यस, वेरी नाइसली सेड। अदर देन दिस, nth टर्म का डिग्री ऑफ n 1 रहता है और सम टू n टर्म्स का डिग्री ऑफ n 2 रहता है। ओके, एंड अनदर वे टू डिराइव nth टर्म इज दिस आल्सो, Sn - Sn-1। एक क्वेश्चन में किया था बट ये लॉजिक समझो, सम टू एन टर्म्स में से सम टू पहले n-1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा nth टर्म ही। हाँ फिर उसके आपने अलावा 1 और 2 डाल के। हाँ हाँ, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स का कुछ कॉन्सेप्ट किया था, एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते थे तो कॉमन डिफरेंस होता था b-a/(b-a)/(n+1) b-a/(n+1)। ओके, उसके बाद और एक एक नोट था, a1 + a2 से ऑन एंटिल an, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स क्या था? a+b/2 एन टाइम्स द सिंगल a। अरिथमेटिक मीन, एन टाइम्स ए, ए और a+b/2 जो भी है। सो ऑल दीज थिंग्स कॉन्सेप्ट्स फॉर स्टडी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो भी हमने किया था सेम चीज रिपीट प्रोसेस हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जो भी है अभी थोड़ी देर में करेंगे, जीपी कोई सीरीज जीपी में होगा तो कंडीशन क्या है, जीपी का nth टर्म क्या है, जीपी का सम टू एन टर्म्स क्या है, सम टू एन टर्म्स दिया तो nth टर्म कैसे ढूंढना है, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स की जगह इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन्स, तो ये सब कुछ हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ करने वाले हैं, सेम टू सेम रिपीट करेंगे, और ये दोनों बेसिक फंडामेंटल मानते हैं एपी और जीपी। उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है एपी और जीपी का मिक्सचर है, एपी जीपी मिलके आते हैं एक ही सीरीज में वैसे करके, दैट इज द रेस्ट ऑफ द चैप्टर जिसको हम लोग अलग अलग से करेंगे। यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन तना, ये सब कुछ रिवीजन ही है पहले 3 लेक्चर का। याद है कि नहीं ये सब कुछ जो पढ़ा रहे? याद है, याद है ना? ओके, याद है सर। और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, इतने पार्ट में? आई कैन जस्ट रिपीट इट अगेन। ओके चलेगा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स? चलो 40 तो आ गए। कभी फुल स्ट्रेंथ आती है क्या क्लास? आते हैं क्या सब लोग? तो पहले लेक्चर में आए थे कुछ 50 के आसपास, उसके बाद नहीं आए। सर सब 11 10 तक आए। अच्छा, ठीक है। तो मुझे भी वेट करना चाहिए कि स्टार्ट कर दूं? कर दो। हाँ करना चाहिए, बिकॉज जो लोग टाइम पे है उनकी क्या गलती टाइप्स लगता है मुझे, या फिर हम लोग 10 मिनट टाइम पास बातें करनी चाहिए। व्हाट कुछ भी डू यू से? चलेगा। मतलब ठीक है बट चलेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर एग्जांपल, ओके
what have you observed in this series? Like, what is something which you are observing? So the common ratio between two consecutive terms is same. हाँ तो फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे तो सेकंड टर्म आ रहा है सेकंड टर्म को फर्स्ट वाले तो टू के पावर से फर्स्ट वाले तो छोड़ो फिर सेकंड वाला ऑब्जर्व करो सर वो नंबर को टू से मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई कर रहे मतलब यहाँ पे एपी में ऐड करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली बेसिक आइडिया वो है ओके नाउ थर्ड वाले में भी क्या कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री से डबल को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डबल नहीं है थर्ड वाले में देखो 2, 6, 18, 24 मतलब कितना मल्टीप्लाई करे थ्री से तो इनफैक्ट रादर देन सेइंग कॉमन डिफरेंस वी विल बी स्टार्टिंग स्टार्ट सेइंग कॉमन रेशियो रेशियो डिस्कस करने वाले सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई द प्रीवियस टर्म थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई द प्रीवियस टर्म फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई द थर्ड टर्म एंड सो ऑन रेशियो सेम रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट वाले का कॉमन रेशियो कितना है सर टू टू सेकंड वाले का थ्री टू टू थ्री की टू 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 आएगा टू आएगा कॉमन रेशियो टू है सेकंड वाले का थ्री इंटू टू सिक्स है थर्ड वाले का थ्री 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 है फोर्थ वाले का कॉमन वन बाई थ्री ठीक है अच्छा इवन इफ इट इज समथिंग लाइक दिस Let me take easy example. इसका common ratio क्या होगा? Minus. Iota multiply करे तो iota आएगा. Iota का वापस से iota multiply करेंगे तो minus one आएगा. Minus one को वापस से. Common ratio is basically iota. Common ratio is basically iota. So these are all the general types of geometric progressions. What about this? लास्ट सीरीज एपी में है कि जीपी में है दोनों में है कॉमन एपी भी बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस जीरो बोल सकते हैं या जीपी भी बोल सकते हैं कॉमन रेशियो वन तो अगर कोई एपी भी है जीपी भी है दोनों भी होगा तो बेसिकली वो कांस्टेंट टर्म्स होना चाहिए एपी जीपी दोनों होगा तो अच्छा तो इनफैक्ट इन सबके ना एक सिंपल से नाम है ये सारे नाम तुम लोग जस्ट सिंपल तरीके से याद रख लो जस्ट सिंपल इंग्लिश है यू डोंट नीड टू बाय हार्ट देम जस्ट गट फीलिंग से समझो दीस थ्री आर कॉल्ड एज इंक्रीजिंग जीपी एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्रीजिंग जीपी Why am I naming these in this in such a manner? Because value decrease हो रही है उसमें. Yes, value decrease हो रही है तो decreasing GP, value increase हो रही है तो increasing GP. ठीक है? Okay. ये iota वगैरह आएगा तो उसको imaginary GP बोलेंगे. Imaginary GP because imaginary numbers आ रहे. Okay. और सारे 5555 रहेंगे तो इसका नाम है constant GP. Constant GP. इतना समझ में आ रहा है क्या basic GP का मतलब क्या है? Yes. Okay. Yes. क्या क्या बोलो लास्ट वाला है वो कौन ये हाँ इसका कोई नाम नहीं है ये इंक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे डिक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्टरनेट हो रहे हैं ना टर्म्स यस सर इट इज नीदर इंक्रीजिंग जीपी नॉर डिक्रीजिंग जीपी मतलब दिस हैज नो नेम ओके नाउ पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हेडिंग लिखो एंड आई विल टेल यू द डेफिनेशन सर हाँ बोलो एक डाउट है सर ये आयोटा बेसिकली होता क्या है सर मालूम नहीं तुम लोगों को बेसिक मैथ्स में नहीं पढ़ा है क्या आयोटा सर आई थिंक मैं सर वो लेक्चर में था नहीं आई थिंक ओ तो हम लोग जब आएगा वापस से कोई क्वेश्चन में बताऊंगा फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि आयोटा को स्क्वायर करोगे तो माइनस वन होता है यस आयोटा इज अ न्यू नंबर इट इज अ न्यू डिस्कवर्ड नंबर इट इज नॉट इन्वेंटेड इट इज ऑलरेडी देयर इट इज नॉट बीन स्टडीड इट हैज बीन मतलब स्कूल्स में नहीं पढ़ाते तो इसीलिए अभी पढ़ाते हैं लाइक पहली बार रूट टू कहीं किसी ने देखा तो व्हाट इज रूट टू अगर कोई पूछे सो जस्ट मींस दैट रूट टू को स्क्वेयर करेंगे तो टू आता है दैट इज व्हाट यू हैव बाय हार्टेड सिमिलरली आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वेयर करेंगे तो माइनस वन आता है वो कोई नंबर को स्क्वेयर करके माइनस वन तो नहीं आता है ना वही गलत पढ़ाया है ओके सर मतलब किसी चीज को भी स्क्वेयर करोगे तो टू नहीं आएगा करके पहले पढ़ते थे 400-500 साल पहले But now it is obvious क्योंकि स्कूल में पढ़ा दिया
आयोटा एक स्पेशल मतलब न्यू नंबर है, स्पेशल नहीं है, न्यू नंबर है जिसको स्क्वेयर करने पर माइनस वन आता है. ओके सर. ओके, राइट डाउन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन. A sequence is called, definition dictate कर रहा हूं, a sequence is called geometric progression, a sequence is called geometric progression if the ratio of any term to its preceding term, if the ratio of any term to its preceding term, to its consecutive terms लिख सकते हैं. Consecutive terms मतलब तू ये मत सोचना कि first by second है, second by first ही होना चाहिए. Common ratio जो है. If the ratio of any term, एक second, I'll just a sequence is called a geometric progression if the ratio of any term to its preceding term, if the ratio of any term to its preceding term is a constant. If the ratio of any term to its preceding term is a constant throughout. Sir, हाँ बोलो. Sir, आप 2/6 करो, 6/18 करो, 18/15, 54 करो, आपको 1/3 आ रहा है, तो sir वो भी same ही होगा ना? Same ही होगा, but common ratio by जैसे AP में common difference किसको बोलते हैं? Sir, A2-A1. हाँ, क्यों A1-A2 भी क्यों नहीं बोल सकते? ऐसे मतलब just a standard way to call, ताकि यूनिफॉर्म आंसर आ जाए. ओके सर. ओके, फिर एग्जांपल्स करके ये चीजें लिख लो और ये नाम लिख लेना, तीन चार नाम. एग्जांपल डेफिनेशन पर रिपीट करेंगे सर. यस, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म, इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म to its preceding term, if the ratio of any term to its preceding term is a constant throughout, sir. हाँ बोलो. Converging और diverging भी होता है ना, तो वो converging and diverging भी होता है. Yes, converging मतलब वो कम होते होते कौन से नंबर के पास जाएगा, जैसे कि ये है 1/3, 1/9, 1/27, next 1/81, ऐसे लिखते जाएगा तो लास्ट टर्म क्या रहेगा? अप्रोचेस 1/∞. हाँ, अप्रोचेस 1/∞ मतलब अप्रोचेस विच इज ऑलमोस्ट जीरो. हाँ, जीरो. सो वी कैन से दैट दिस दिस नंबर्स आर कन्वर्जिंग टू जीरो. दिस इज नॉट कन्वर्जिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दीज आर कॉल्ड एज डाइवर्जेंट, मतलब बढ़ते जा रहे वैल्यू. We'll study those also in this chapter, convergent divergent. But as the name says, that is the way. Okay, sir. हो गया, लिख के तो बताना. अभी नंबर्स की जगह हम लोग वेरिएबल्स यूज करके करेंगे. हाँ बोलो. मेजर टेस्ट के डाउट्स किसमें जरूर पूछना है? यार आज नहीं करेंगे मेजर टेस्ट के डाउट्स, क्योंकि आज दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर आई गेस इन दिस न्यू ग्रीन हाउस. यस, तो आज थोड़ा सा मतलब गेट टू नो ईच अदर एंड आई जस्ट वांट टू सी हाउ द क्लास विल गो. फिर उसके बाद विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, नो प्रॉब्लम. वैसे मेजर टेस्ट डिस्कशन का डाउट लेक्चर होता है ना सर, उसमें ही पूछ लेना है क्या? उसमें पूछेगा तो अच्छा है, मेरा क्लास का टाइम बच जाएगा. तो उसमें पूछ लूंगा. उसमें क्लियर नहीं हुआ तो जरूर पूछ सकते हो. हां सर. डाउट लेक्चर सब अटेंड करते हो क्या? सर डाउट होता है तो कर लेता हूं, और कभी-कभी मतलब कोई होमवर्क नहीं रहता तो कर लेता हूं. नहीं, जस्ट कैजुअली आस्किंग. हो गया लिख के ये सब कुछ? Yes, okay, okay,
व्योम तू पहले भी ग्रीन हाउस में था क्या? हाँ सर पहले भी था। हाँ अच्छा है, रोल नंबर से चेंज नहीं हुआ, आई कैन सी द रोल नंबर। यस और वीडियो वगैरह ऑन करने वाले हो क्या? थैंक यू तने, झट से ऑन किया। यस अक्षत अगेन थैंक्स। थैंक यू दर्श, मानव, संजना। संजना लास्ट क्लास एब्सेंट थी क्या? हाँ सर लास्ट दो तीन क्लास मिस कर गया था, वो क्लैश हो रहा था लेक्चर से। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अभी क्लास चला मतलब इस हफ्ते से वो क्लैश, मतलब इस हफ्ते भी क्लैश हो रहे थे क्या? नहीं सर, हाँ इसीलिए रेड हाउस में था, अभी ग्रीन हाउस में आना क्योंकि रेड हाउस में सारे क्लैश हो रहे थे। ओह चलो अच्छा है। सर हमारा ये नाम वापस चेंज होगा क्या? I mean रोल नंबर। मेरा नाम तो केविन केविन ही रहेगा। सॉरी नहीं, रोल नंबर, रोल नंबर। दैट आई डोंट नो यार, आई डाउट चेंज होगा। क्या फर्क पड़ता है, आर की जगह जी डाल ले तू। हाँ वही वही जानना था। हो गया लिख के? यस ओके। दर्श लिख रहा है क्या? नहीं सर हो गया। ओके ठीक है, नाउ जीपी में जनरलाइज जीपी करेंगे। ओके इफ T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन आर इन जीपी, इफ T1 T2 T3 T4 आर इन जीपी देन व्हाट इज द कंडीशन दैट वन शुड से? T2 by T1 equal to T3 by T2 एंड सो ऑन। This ratio is called as common ratio. This ratio is common ratio. Okay. Few very very obvious things that you should know is if A, B, C are in GP, then B by A should be same as C by B. Or C we by can say that B square should be same as AC. B square should be same as AC. Arithmetic progression में B equals to A plus C by 2 होता है, यहाँ पे B square equals to AC होता है. Okay. Other than this. अभी जनरलाइज्ड जीपी लिखना है, जनरलाइज्ड जीपी लिखना है। अगर फर्स्ट टर्म ए है, लेट मी कॉल T1, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो आर है तो फर्स्ट टर्म ए रहेगा तो सेकंड टर्म क्या रहेगा? AR. यस, फर्स्ट टर्म विल बी ए, सेकंड टर्म विल बी AR, सेकंड टर्म विल बी AR. व्हाट विल बी थर्ड टर्म? A स्क्वायर आर की AR स्क्वायर, AR स्क्वायर, AR मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म विल बी AR क्यूब। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व द ट्रेंड, व्हाट विल बी द 100th टर्म? AR 99, R पावर 99। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जनरल जीपी रहेगा। nth टर्म, nth टर्म इज गिवन एज, कैन यू प्रेडिक्ट द nth टर्म? A into R power n minus 1, that is the nth term of a GP. So this is the first formula that you should remember, nth term of an AP ki jagah nth term of a GP bhi hai. Okay, pehle isko likh lena. Arre, also one very important thing which I forgot to tell and I should have told before, in a GP A and R cannot be zero. कोई भी टर्म जीपी का जीरो अलाउड नहीं है, कोई भी टर्म जीपी का अलाउड जीरो अलाउड नहीं है। नो टर्म ऑफ अ जीपी शुड बी जीरो बिकॉज द कॉमन रेशियो विल बी वियर्ड। इसके बाद के सारे नंबर्स भी जीरो हो, सारे नंबर जीरो हो जाएंगे तो उनको एपी बोलते हैं, बट इट इज जस्ट दैट जीपी में कॉमन रेशियो की बात भी करते हैं ना, तो इसीलिए कोई टर्म को जीरो नहीं लेते बिकॉज जीरो बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। लक्ष्य तेरा स्टैंडर्ड है क्या, हर बार बीच का ही लगाता है तू? सब क्या 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 बोल रहे हो? चेंज कर दे। इट्स फाइन, बीच इज प्लेजेंट। कैसे है नया टाइमिंग्स, बेटर है? बेटर है। यस सर बहुत बेटर है। Yes, yes, दोपहर में ज्यादा लोग नींद में रहते हैं और वैसा स्ट्रेस फैला हुआ रहता है क्लासेस, एक सुबह एक दोपहर को तो लाइक
बीच में पढ़ाई नहीं होती एक्चुअली. हाँ वो तो है, एंग्जायटी रहता है कि सेकंड लेक्चर आ रहा है आ रहा है. लेक्चर नहीं होता तो सब सवेरे को प्लान कर दो कि इतने बजे उठता हूँ, तो भी सर नहीं उठ सकते, पर अगर क्लास होता है तो कंपलसरी उठना पड़ता है. हाँ तुम लोग वैसे अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हो कि रात को पढ़ने वाले हो? रात को ही पढ़ने का मूड होता है सर. रात को ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है, दिन भर में बहुत डिस्टर्ब सर. मुझे भी रात को ही पढ़ना पसंद है, लेकिन फिर मम्मा बोलते कि सुबह की पढ़ाई बेटर होती है. हाँ यार वही मेरे मम्मा भी ऐसे बोलते थे, बट लेकिन अब मैं भी ऐसे ही बोलना पड़ता है ताकि सारे सर एक ही चीज बोले. बट रात को थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा होता है, पीसफुल होता है पूरा. हाँ वही अगले दिन लेक्चर नहीं होगा तो रात को पढ़ सकते हो. हम लोग तो हॉस्टल में थे, मतलब जब जेई कोचिंग करते थे तो हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में हमारे हॉस्टल में 24/7 टीचर्स रहते थे डाउट्स के लिए. तो रात के 3-4 बजे भी टीचर रहते थे एक, तो डाउट के लिए. तो उनका टाइमिंग रात के 10 बजे से सुबह से 6 बजे ऐसे रहता था डाउट. सर एक मिनट, वो नीचे का राइट साइड में. श्योर श्योर. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से 3 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a-d, a और a+d लेते थे, 3 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लेना चाहिए? सिमेट्री में पावर a r n - 1 a r n + 1. n कहां से आया? 3 ही टर्म पूछ रहा हूं. a एक रहेगा, a r रहेगा, तो a का प्रीवियस टर्म a/r रहेगा. दैट विल बी हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. 3 टर्म रहेगा तो जस्ट लाइक उसमें कॉमन डिफरेंस था एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल है. 4 टर्म होगा तो a/r³, a/r, ar, ar³. फिर 5-6 रहेगा तो इन्हीं के आगे पीछे लगा दे. ar² ar a ar ar² दैट्स राइट. तो 5 टर्म्स इन जीपी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऐसे यूज करोगे तो फास्ट हो जाएगा. So it is not a compulsion. You can definitely take AAR, AR square also. It is just that sometimes the questions become too lengthy. Is it done? One minute, sir. Just ऐसे बोलने की आदत है, ऐसे बोलते हैं तो students फिर जल्दी लिखते हैं. Class notes वगैरह अच्छे से complete रख लो, और trigonometry को थोड़े दिन भूल जाओगे तो भी चलेगा. Next major test के 1 हफ्ते पहले revise कर लो, तब तक थोड़ा sequence and series पे concentrate कर लेना. सीक्वेंस एंड सीरीज का मॉड्यूल मिल जाना चाहिए था, और क्वेश्चन बैंक भी व्हाट्सएप पे डाला था, और एक बुक हॉल एंड नाइट से मैंने कभी होमवर्क दिया क्या? नो सर. आपने वो डिस्कॉर्ड पे डाला ना पीडीएफ? हाँ डिस्कॉर्ड पे डाला था, आज मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा और उससे होमवर्क दूंगा. और विनीत सिंगर है क्या तू? क्यों ऐसे ही तेरा डिस्प्ले पिक है कि नहीं? अरे नहीं सर, वो म्यूजिक के लिए, कीबोर्ड का कुछ मिला नहीं था. म्यूजिक तो मतलब हाँ माइक्रोफोन है तो आई थॉट यू सिंग. इंडियन आइडल वगैरह देखता है क्या तू? नहीं सर, ये सब तो स्क्रिप्टेड है सर. हो भी सकता है एक्चुअली. अच्छा माइंड मैप भी डाला था डिस्कॉर्ड पे. हाँ आर्यन माइंड मैप वो ट्रिग्नोमेट्री का बस वो रिवीजन है, 1 पेज पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री.
is it helpful? I don't know if it's helpful or not. मेरे पास था तो मैंने डाल दिया. It's helpful होता है for end time भी revise करना होता है तो. हाँ, so मैं hostel तो क्या hostel का कोई नाम नहीं था but मैं हैदराबाद से मैंने कोचिंग किया था. I don't know, तुम लोगों ने सुना है कि नहीं, नारायणा करके इंस्टीट्यूट सुना है क्या? हाँ सर, बोरीवली में भी है. हाँ मुंबई में भी है बट मुंबई में इतना फेमस नहीं है. ओके okay. हो गया लिखे एवरीवन. आपकी स्टडी से जैसे किया आईआईटी से किया है क्या? हाँ यार इंजीनियरिंग आईआईटी से किया. सर कौन सा था आपका? मैंने आईआईटी गुवाहाटी से किया था और बायोटेक्नोलॉजी किया मैंने. ओके तुम लोगों को कुछ इंटरेस्ट है क्या कोई पर्टिकुलर ब्रांच में? सर तो बार-बार चेंज होते रहते. अच्छा अच्छा हाँ ठीक है. वैसे इंटरेस्ट चेंज होना भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था. क्या क्या मेरे को एस्ट्रोनॉमी करना था. एस्ट्रोनॉमी? या ओके ओके एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था लेकिन हां एस्ट्रोनॉमी का इधर जरा भी स्कोप नहीं है. स्कोप क्यों नहीं है? इतनी बार मंगलयान मंगलयान चलता रहता है न्यूज़ में. बट सर वो इंडिया में तो वो थोड़ा क्यों नहीं है? इंडिया में इसरो इतना फेमस है. इट्स लाइक अरे कुछ नहीं, तू एस्ट्रोनॉट बनेगी तो सब तेरे पीछे भागेंगे. तू ही स्कोप बनाना. बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस मतलब टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. सर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट डज नॉट रिक्वायर इंजीनियरिंग डिग्री. डज नॉट रिक्वायर अ इंजीनियर डिग्री मतलब यू जस्ट हैव टू नो साइंस. साइंस या आई मीन यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल लाइक एन अभी वही एस्ट्रोनॉट्स भी हर एस्ट्रोनॉट का अलग अलग वो रहता है. कोई रिसर्च ओरिएंटेड रहता है और कोई इंजीनियर भी जाता है एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉमी इज नॉट अबाउट. तूने बिग बैंग थ्योरी देखा क्या? एक क्या शो, शो आता है बिग बैंग करके. बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी हाँ हाँ नेटफ्लिक्स पे. नेटफ्लिक्स हाँ वो हर जगह ही रहता है वो इतना फेमस है. तो उसका वो एक कैरेक्टर है जो इंजीनियर रहता है और एस्ट्रोनॉट उसका नाम मैं भूल गया. वो छोटा सा रहता है. हाँ तो वो इंजीनियर ही रहता है. वो उसको टॉयलेट वगैरह बनाने के लिए लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स. हाँ बट ठीक है चलेगा. चलो एक क्वेश्चन करना रेड ऑन. प्रूव दैट द सीक्वेंस. प्रूव दैट the sequence tn. prove that the sequence tn equals to 3 raised to 2n minus 1 3 raised to 2n minus 1 divided by 7 semicolon n belongs to capital N is a GP and hence find common ratio. So in other words, they have given you the GP already. They have given you the nth term of a GP. And you have to write the complete GP and establish what the common ratio is. Sir, that is right. Tanay, Sanjana, bolo. The n belongs to m. Kya hai, sir? What do you think? N bol diya, belongs to bol diya. Capital N kya represent karta hai? No idea. No idea nahi hai. N par natural numbers, yaar. Ye school mein nahi padha kya? Nahi sir, short form. Short form nahi pata. Ye sare short forms pata hona chahiye. N for natural numbers. W kya hota hai? Whole numbers. Whole numbers. I Integer.
z integers integers yes z भी integers ही होता है और q rational numbers rational rational numbers और real numbers को r r और एक एक last c complex complex numbers c is complex numbers ये सारे याद होना चाहिए और ये सिंबल belongs to का है और एक एक सिंबल ऐसे होता है लाइक ये सिंबल क्या है प्रॉपर सबसेट सबसेट यस सबसेट नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स ऑल दिस इज जनरल नॉलेज ओके इन दिस क्वेश्चन एन को वन एन को टू एन को थ्री पुट करते जाओ एन को वन पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा एन को वन पुट करेंगे तो क्या आया थ्री बाई सेवन 3/7 n को 2 पुट किया तो 27/7 next 243/7 and so on so first thing is to identify if it is a gp or not to identify so we have to check the ratio first second or first ka ratio third or second ka ratio same hai kya in fact agar same aa gaya to ratio ko hi common ratio bolte hai common ratio comes out to be 9 कॉमन रेशियो कम्स टू बी 9 तो देख के ही पता चल जाएगा 3/7 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 9 कॉमन रेशियो इज 9 सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन क्वेश्चन एवरीबॉडी शुड बी एबल टू सॉल्व राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन सर द पावर्स आर इन एपी सो इट कुड बी इन जीपी व्हाट व्हाट इफ द पावर्स आर इन एपी सो द टर्म्स कुड बी इन जीपी और हां नीचे कांस्टेंट होना चाहिए 3 होना चाहिए अगर नीचे भी n होता तो फिर नहीं होता वो कुछ और हो जाता है ठीक है और भी नाम है बट फिलहाल के लिए व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कांस्टेंट पावर एपी इज अ जीपी ओके राइट ऑन इफ इन अ जीपी T3 इक्वल्स टू 2 T6 equals to -1/4 find T10 if in a GP T3 is 2 T6 is -1/4 find T10 मानव एक बार साइन का देखना लेट मी जस्ट चेक आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ मानव साइन चेक करना हाँ T3 का फॉर्मूला पुट कर दो TN is a into r raised to power n minus 1 so in this question t3 is ar square ar square ka value 2 de rakha hai t6 is ar raised to 5 that equals to -1/4 and we need ar raised to 9 so it is very natural that we need to find a and r so ap ke questions mein arithmetic progression ke questions mein we oftenly subtract or add here we have what do you need to do divide harsh correct sanjana galat ho gaya parv correct vinit sign ka mistake hai darsh correct siddharth correct sanjana common ratio kitna aa raha hai -1 ha to fir check karna kya mistake ho raha hai डिवाइड करो डिवाइड करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रेस्ट टू 5 इज 2 अपॉन माइनस 1 बाय 4 और 1 बाय आर क्यूब इज माइनस 8. आर का वैल्यू माइनस हाफ आएगा. आर का वैल्यू माइनस हाफ आएगा. आर क्यूब इज माइनस 1 बाय 8 और आर का वैल्यू माइनस हाफ आएगा. हर्ष प्रत्युष यू आर राइट. लेट मी चेक इफ एनीबडी एल्स हैज सेंट. फाइनली 50 आ गए. हेलो टू ऑल द लेट कमर्स. इसमें ये नहीं पता चलता कौन लेट आया कौन. ऑफलाइन क्लास रहता तो अच्छे से क्लास के बाहर खड़ा करते थे. आर के लिए माइनस हाफ आएगा. ए के लिए सब्स्टिट्यूटेड बैक इन एनी इक्वेशन. ए का वैल्यू कितना आ रहा है एनीबडी? एट. कितना? एट आ रहा है. थैंक यू. ए इज 8 आएगा. केविन चेक कर. 2 × 4 होगा. यस सर समझा. That's right, Shreya. Shreyas. Oh, Shreyas. तू Shreyas है. Actually पहले Shreya और Shreyas दो लोग थे तो confused होता था. अभी भी मैं हूँ class. क्या अभी भी? Shreya है class. Shreya है class में. सर पहले दोनों blue में थे अभी दोनों. Oh, hi Shreya. हाँ क्या? पहले दोनों blue में थे अभी green में है दोनों ही. तो कोई और Shreya है क्या? IITN सब पे? No, क्योंकि मैंने इस हफ्ते ही उसको पूछा था श्रेया को. श्रेयस भी है क्या तुम्हारे क्लास में करके? तो उसने बोला नहीं. That's right, श्रेया कॉमन नाम है. तने हाँ कॉमन है बट आई डोंट नो इफ इट्स कॉमन इन आवर इंस्टीट्यूट नाउ. कॉमन नेम्स तो है बहुत सारे. वेदांत आर्यन. आर्या है क्या तुम्हारे क्लास में? आर्या व्योम गलत हो रहा है. ए इंटू आर रेस टू 9 ढूंढना है तो 8 × −½ 9. 8 × −1/512 अगर कर रहे हो तो सिंप्लीफाई करके −1/64 आएगा. −1/64 इज द आंसर. या संजना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करूं कि वेट करूं? और सर हो गया सर. ओके इज इट कंसीडर्ड एज ए टफ क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन? तो जीपी की प्रैक्टिस नहीं है ना, एपी की प्रैक्टिस थी. हाँ हाँ तो वो उसके हिसाब से थोड़े और क्वेश्चंस करा देता हूँ. लेट डाउन टू क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड. लेट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ टी वन मतलब इन ए जीपी पूरे जीपी है इन ए जीपी. इफ टी वन इक्वल्स टू ए, टी टू इक्वल्स टू बी, टी टू नहीं सॉरी टी थ्री लिख लेना. इफ इन ए जीपी टी वन इज ए टी थ्री इज बी. सर आंसर क्या था? −1/64. ओके सर आया कि नहीं? यस सर. ओके ओके आर्यन तने. ओके टी वन इज ए टी थ्री इज बी टी एन प्लस वन is c. tn plus 1 is c. find t2n plus 1 in terms of abc. find t2n plus 1 in terms of abc.
जस्ट फर्स्ट टर्म इज ए ओनली, ए आर स्क्वेयर का वैल्यू बी दे रखा है, और ए इंटू आर रेस्ट पावर एन का वैल्यू सी दे रखा है। एक सेकंड में चेक करता हूं। सिद्धार्थ इज करेक्ट, मानव नो, मानव मल्टीप्लाई करेगा तो पावर्स में लॉस ऑफ इंडेक्सेस लगेगा, चेक कर। नॉट एक्यूरेट दर्श, सर मुझे तो सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में है। क्या क्या क्वेरी है सर? मुझे सिर्फ सी के टर्म्स में आ रहा है आंसर। हाँ तो मतलब ए और बी आई नहीं। हाँ तो तू भेज करेक्ट एक नहीं बताता हूँ। नहीं विनीत, मानव करेक्ट है, विनीत नहीं। सर मेरा तेरा आया नहीं मैसेज सोहम। हाँ सोहम करेक्ट, यस सोहम यू आर राइट। आयुष ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय समथिंग भी आता है आयुष। अक्षत एन के टर्म्स में नहीं चाहिए हमें, एन नहीं चाहिए। दर्श नाउ यू आर राइट। प्रत्युष करेक्ट, शौर्य करेक्ट, ये हो गया। तो ये एक और क्वेश्चन है बोर्ड पे राइट टॉप पे, तुम लोग ट्राई करना इन द मीन टाइम। एक सेकंड, सर इरेज मत कर। हाँ कुछ इरेज नहीं कर रहा हूँ, अभी सॉल्व भी नहीं हुआ मेरा। फर्स्ट टर्म ए है, ए आर स्क्वायर बी है, ए आर रेस्ट टू एन सी है। व्हाट डू वी नीड? ए आर रेस्ट टू 2n। यस करेक्ट, वी नीड ए आर रेस्ट टू 2n, वी नीड ए आर रेस्ट टू 2n, r रेस्ट टू एन चाहिए। तो डू यू थिंक r स्क्वेयर और r रेस्ट टू एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो r रेस्ट टू एन आएगा? यस सर। नहीं अरे यार a स्क्वेयर भी होगा ना। r स्क्वेयर नहीं, एक सेकंड, r स्क्वेयर इनटू r रेस्ट टू एन, क्या r रेस्ट टू एन होता है? 2 प्लस n, 2 प्लस n, 2 प्लस n होता है, 2 प्लस n है। सो दैट वाज द रीजन आई पुट दिस थिंग सो दैट यू गाइस गेट कंफ्यूज्ड। ओके तो r रेस्ट टू एन के लिए कहां क्या करना चाहिए? R raised to n plus R raised to n. Yes. मतलब या फिर ये a R raised to n वाले को let us do squaring on both sides. Squaring, squaring करेंगे तो right hand side c square हो जाएगा, left hand side a square R raised to n का square होगा, R raised to n का square. Now that will give us a square R raised to 2n. That is how we generated R raised to 2n. R raised to 2n. ओके ऑल्सो फर्दर ए स्क्वेयर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख रहे हैं? बिकॉज वी नीड ए इंटू आर एस टू एन, तो ए इंटू आर एस टू एन यहां दिख रहा है तो ए को डिवाइड कर देंगे तो फाइनली ए इंटू आर एस टू एन कम्स आउट टू बी सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए। द इंफॉर्मेशन अबाउट बी इज एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी, यूजलेस इंफॉर्मेशन। तने BC नहीं है, मैं वही बता रहा था, R square into R raised to n is not R raised to 2n. Yes. The answer is only in terms of A and C, B is say independent है, it is independent of B. Understand the language.
सर आपको भेजा है, करेक्ट है क्या? यस सिद्धार्थ, दर्श, हर्ष आर करेक्ट. Just 2 minutes before I write the next question. Okay. ये वाला question में और कोई कोई कर रहा है क्या? C square by A वाला. संजना correct है. Erase कर रहा हूँ. किसी को doubt है तो now is the time to ask. बस keep this in mind कि हम लोगों को multiply, divide, squaring ऐसे चीजें करना चाहिए GP में. एड सब्ट्रैक्ट से कम फायदा होता है. Moving on. Next question, just formula apply कर दो. TP minus n क्या है? TM minus n क्या है? और TM plus n क्या है? Just apply the formula straight away. Kevin, no. Now Shreyas, there is nothing like R in this question given. Shaurya, Ayush, you are correct. लक्ष्य थोड़ा सा गलत है. केविन क्या किया? टी एम माइनस एन का फॉर्मूला क्या है? टी एन का फॉर्मूला पता है, a into r raised to n minus 1. तो टी एम माइनस एन क्या होगा? r raised to n minus 1. नहीं नहीं नहीं, r raised to क्या होगा? n minus 1. नहीं नहीं, टी एन होता है a into r raised to n minus 1, या n होगा तो यह n माइनस वन होगा. Yes, यहाँ पे r is to m minus n है तो m minus n minus 1 होगा. Okay, okay sir, समझा. This is the value of p. Okay sir. Akshay, that is absolutely like rubbish है जो तूने भेजा. M equals to m का वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते यार. Yes sir. Next वाला. Kevin, a into r raised to m plus n का वैल्यू क्यू है? तो a into r raised to m plus n minus 1. Minus 1, yes. Is equals to q. Okay. What do you need? Keep that in mind. Siddharth and Darsha, right? a into r raised to m minus 1. That is what we need. That is what we need. Yes, sir. तो क्या चीज हटाना है इन दोनों में से? N. N को हटाना है. पावर में माइनस एन है या पावर में प्लस एन है? तो इन दोनों को क्या करना चाहिए? डिवाइड. डिवाइड करेंगे तो एन कैंसिल होगा क्या? सर डिवाइड करने पर कुछ नहीं होगा. मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सर. यस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर रहे और आर का पावर एम माइनस एन माइनस वन इंटू आर का पावर एम प्लस एन माइनस वन. तो देखो लॉस ऑफ इंडेसेस ए स्क्वायर इंटू आर का पावर, आर के पावर्स ऐड हो जाएंगे. सर सो संजना गलत है, प्रत्युष करेक्ट है. बोलो. तो सर ये पावर 2m माइनस 2 हो जाएगा. करेक्ट, पावर 2m माइनस 2 हो जाएगा. दैट इक्वल्स टू pq. लेकिन हमें चाहिए क्या? सर a इंटू आर रेस टू m माइनस 1. तो क्या करना चाहिए? पावर में होना चाहिए. पावर में डिवाइड बाई टू कैसे होगा? रूट लेंगे तो पावर में डिवाइड बाई टू होता है.
तो दिस विल बिकम ए इनटू आर का पावर 2m माइनस 2 का हाफ हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू रूट पी क्यू हेंस द आंसर रूट पी क्यू विल बी द आंसर इन फैक्ट टू बी वेरी एक्यूरेट द आंसर विल बी प्लस और माइनस रूट पी क्यू दैट साइड सोहम दैट साइड हर्ष संजना कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है ध्यान से करो संजना पीहू भी तुम्हारे क्लास में है क्या सर वो पर्पल हाउस में थी ओके ओके तो बायोलॉजी का लेक्चर पर्पल और ऑरेंज का कंबाइन होता है कि अलग अलग होता है अलग होता है अलग होता है तुम्हारे बायोलॉजी में वो सब भी है क्या क्रेब्स साइकिल वगैरह क्या सर क्रेब्स साइकिल करके होता है ना सर अब तक तो कुछ नहीं है ठीक है ऐसे वो ग्लूकोज को कैसे सिंथेसाइज करते हैं करके आई डोंट नो सर 10th में था सर 10th तक सर 10th में था क्रेब्स साइकिल हां 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 10th में था वो कुछ टर्म था ना मैं भूल गया कुछ तो चीज जो सिंथेसिस एंजाइम का नाम कुछ था शॉर्ट तीन लेटर से पी रहता लास्ट में एटीपी पाथवे यस यस एटीपी यस 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 एटीपी इतना भूल गया मैं वो एटीपी का स्ट्रक्चर वगैरह शायद पढ़ाएंगे आई होप सो हां सर अब तक सिर्फ ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन उतना ही हुआ फर्स्ट यूनिट ओके ओके सर आपको आपके 10th का बायोलॉजी याद है याद नहीं अभी देखो क्लियरली याद नहीं है लक्ष्य करेक्ट है आंसर अक्षत करेक्ट है शौर्य करेक्ट है आर्यन आल्सो करेक्ट हर्ष इज आल्सो करेक्ट क्लियरली याद नहीं है तुम लोगों को याद है क्या 10th का नहीं सर बायोलॉजी तो याद नहीं थोड़ा याद है थोड़ा याद हां अरे वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो ऐसे चीजें हैं कि जल्दी भूल जाते हैं सर ज्योग्राफी भी हां ज्योग्राफी हिस्ट्री तो पक्का ही नहीं मतलब वो तो एग्जाम लिखते ही अगले सेकंड ही भूल गए थे मतलब यस सर एग्जाम खत्म हो गया और दैट्स ऑल फॉरगेट सर दोनों मेरा फेवरेट मैं कभी नहीं हमने तो हाथ जोड़ लिए कि कभी ना करें सर हम भी यही उम्मीद में देखिए अभी कभी करेंगे नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर वो सीईटी के लिए वापस पढ़ना पड़ा अरे सीईटी का मुझे मैंने न्यूज़ पे पढ़ा था कि वो कैंसिल हो गया हां सर कैंसिल हो चुका है झोल करते हैं सर पूरा एक महीना उसके पीछे लगे हुए थे कि इतना सारा सर सेम अरे टाइम वेस्ट पहला बोर्ड्स के लिए एक साल हमारा बर्बाद किया फिर अभी सीईटी के लिए एक महीना वही अरे सब वही हमको हल्के में ले लिया एकदम मतलब जो करवाना है करवाओ फिर एंड में कुछ नहीं वही जो लोग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं उनको लगता है कि स्टूडेंट्स को तो सब याद ही रहता है जस्ट बोलना है डेट अरे फोकस ऑन ओके सर आपके पेन में तो मैजिक है सर अरे नहीं वो फोकस एडजस्ट करता है ना हिस्ट्री इज माय ऑल टाइम फेवरेट वो कुछ ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव होता है तो देन इट एडजस्ट्स टू फोकस सर 10th में ज्योग्राफी इजी था पर 9th 8th में बहुत हॉरिबल था ज्योग्राफी थोड़ा फिर भी थोड़ा मजेदार है वो मैप में फाइंड करना है एंड ऑल वो थोड़ा सर वो थोड़ा मजेदार सर 9th और 8th का ज्योग्राफी हॉरिबल है हमारा तो 9th में ज्योग्राफी लाइक मोर ऑफ लॉजिकल था लाइक याद करने का ज्यादा कुछ था नहीं ज्योग्राफी फिर भी टाइम पास है हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता था मतलब इस ईयर वो ईयर याद रखना था वो बहुत पेनफुल लगा था सर हिस्ट्री एक टाइम के लिए ओके था पर सिविक्स बहुत थे था कितना झूठ बोलना पड़ता था क्या पता हां व्हाट आर द वर्क्स ऑफ सिविक्स क्लास में व्हाट आर द वर्क ऑफ द ऑपोजिशन ये सब लिखना था और उसमें ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते एग्जैक्ट पता नहीं हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि जो सेम सेंटेंस वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए
सर हमारे हमारे स्कूल की जो फिजिक्स की टीचर थी ना, मतलब हम लोग की क्लास की, ऋषि करेक्ट है, उनको तो फिजिक्स के हर चीज में वर्ड टू वर्ड चाहिए था, मतलब लॉस डेफिनेशन वो सब समझ में आता है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में बाकी सब जैसा थोड़े बहुत खुद के वर्ड से लिख सकते थे ऐसा कुछ आंसर रहता था ना सर, वो भी वर्ड टू वर्ड चाहिए रहता था ही, वो तो है ही। इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी थोड़े टीचर्स ऐसे ही होते थे, वो पक्का इंग्लिश के लिए तो प्रिंसिपल ही थी टीचर। आई डोंट नो तुम लोगों को मार्क्स कैसे देते थे, हम लोगों को तो ऐसे चिंदी तरीके से ऐसे हाफ मार्क कई कई काट लेते थे, मतलब जस्ट फॉर फन, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है। हाँ सर, सर हिंदी में तो कंपलसरी कर दिया था, कुछ बोलो तो कुछ बोलो तो हैंड राइटिंग खराब है, नहीं मार्जिन ढंग से नहीं लिखा, कुछ भी बकवास रीजन देते थे सर। मैथ्स में हिंदी बाकी सब में आधा मार्क देते हर एक क्वेश्चन में, मैथ्स छोड़ के बाकी सब में आधा था। हाँ वही मैथ्स ही इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि उसमें कुछ भी लिख सकते थे। सर हाँ सर, ये 10th क्लास ऑनलाइन वाइज प्रॉब्लम भूल था कि आप टेक्स्ट बुक में जो आंसर्स लिखे हैं ना, मतलब जैसे केमिस्ट्री में ये ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी दिखाता है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक जैसे सेम आंसर लिखोगे ना सर तो आपके मार्क्स काटते हैं, आपको अलग आंसर लिखना पड़ेगा। ये कौन सा स्कूल है तेरा? सर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप टेक्स्ट बुक से सेम लिखो तो आप कॉपी कर रहे हो आंसर। अरे हाँ सर ये भी अच्छा ऑनलाइन में नया है कि डिफरेंट लिखना है ये? हाँ सर ऐसा सब करते हैं। ये सही था। पर हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी हीलियम में डालने का ऐसा कुछ है? सिद्धार्थ वहां तक करेक्ट है लेकिन पूछा कुछ और है सिद्धार्थ। हाँ सो हम ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इसीलिए हाफ मार्क काट लिया, ऐसे बकवास रीजन देते थे। सर पर ऑनलाइन में एक ही बेनिफिट था मेरे को कि सर क्लास जब ये था सर एग्जाम तो उनको वीडियो ऑन रखे बैठना पड़ता है, तो सर मैं राइटिंग टाइम में लिखने चालू करता हूँ और फिर एंड में सर लीव कर देता और बोलता हूँ इंटरनेट कनेक्शन पुअर है क्योंकि सर टाइम लगता था लिखने को मैथ्स का पेपर, तो फिर सर 20 मिनट से लेट सबमिट करता हूँ। ऑफलाइन में नहीं होता था। हाँ ऑनलाइन में तो चीटिंग वीटिंग भी चलते रहती है उसमें क्या? नहीं सर हमारे में तो पूरा वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए हमको। हाँ तो इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हुआ फिर डिस्कस कर लिया। इस ये वाला फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म का वैल्यू दे रखा है 4, थर्ड टर्म का वैल्यू दे रखा है 4, तो फोर्थ टर्म प्रोबेबली विल बी 4 इंटू आर, कुछ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके yes, आया sir. होगा, एंड फिफ्थ टर्म विल बी 4 इंटू आर स्क्वेयर, फिफ्थ टर्म विल बी 4 इंटू आर स्क्वेयर, आगे बढ़ रहे। और व्हाट विल बी द सेकंड टर्म सर? 4 इंटू आर स्क्वेयर 4 बाय आर बोल दे ना, सिंपल है। यस सर, तो नेक्स्ट वाला 4 बाय आर स्क्वेयर, द क्वेश्चन इज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स, तो इन पांचों का प्रोडक्ट है, इट्स वेरी इजी टू सी, देखना संजना क्या मिस्टेक किया। यस यू आर राइट नाउ प्रत्युष, करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, गुड वन। सर बोलो सर, इसको हम लोग पावर में लिख के छोड़ सकते हैं कि उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? क्या पावर में आया 4:2? 4:5 में हमने भेजा था। वो ऑप्शंस कैसे रहेंगे उसके ऊपर है, 4:5 फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। 1024 यस 1 GB सर, केविन करेक्ट, सोम करेक्ट, साइन थीटा वाला आंसर मेरा करेक्ट है, हर्ष करेक्ट है, बोलो। बट अगर हम लोग ऐसे ले लाइक a^5 a^11 आएगा, 1 2 3 4 का एडिशन है। सर हाँ बोलो सर, तो इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं ना कि t3 जो है वो इन सब का ज्योमेट्रिक मीन है। करेक्ट, उसका पावर 5 हो जाएगा इसीलिए। हाँ सर सही है हर्ष। ओके और किसी को डाउट है क्या 1024 वाला? 162 करेक्ट है श्रेयस।
आर्यन करेक्ट, गुड वन. ओके ये मैं इरेज कर रहा हूँ 1024 वाला. अच्छा काफी लोग फास्ट कर रहे हैं. ओके दिस क्वेश्चन साइन थीटा वाला. साइन थीटा रूट टू टाइम साइन थीटा प्लस वन एंड सिक्स साइन थीटा प्लस सिक्स आर इन जीपी. सो इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी व्हाट इज द कंडीशन व्हिच यू आर अप्लाइंग. सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. दैट इज द राइट थिंग टू डू. तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. जस्ट पुट दोज वैल्यूज हियर. बी का वैल्यू दे रखा है रूट टू टाइम साइन थीटा प्लस वन. तो बी का स्क्वायर हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू इंटू साइन थीटा प्लस वन. का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू सिक्स टाइम्स साइन थीटा प्लस सिक्स इंटू सिक्स टाइम्स साइन थीटा प्लस सिक्स. राइट हैंड साइड सिक्स कॉमन आएगा और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा. ट्राई करो. सिक्स कॉमन आएगा फिर साइन थीटा प्लस वन आएगा. सिद्धार्थ करेक्ट. पर्व करेक्ट. ऋषि थोड़ा सा गलत है. हाँ हाँ ऋषि करेक्ट है. साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा ऋषि वो पुट कर. बाकी शौर्य आर्यन श्रेयस आर राइट ऑलरेडी. अक्षत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. साइन थीटा का वैल्यू ढूंढ पहले अक्षत. पहले साइन थीटा का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. साइन थीटा का वैल्यू ढूंढा क्या अक्षत? नहीं सर. साइन थीटा का वैल्यू ढूंढ और फिर उसमें पुट कर. साइन थीटा का वैल्यू ढूंढेंगे यूजिंग दिस कंडीशन. संजना इज करेक्ट. सिद्धार्थ एंड पर यू आर राइट ऑलरेडी. ऋषि देखना. हाँ ऋषि करेक्ट. मेरे यहाँ फैन चल रहा है तो तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? नहीं सर आवाज नहीं आ रही है. नहीं सर. अच्छा साइन थीटा प्लस वन का स्क्वायर है या साइन थीटा प्लस वन है वो एक एक कैंसिल हो जाएगा केविन देख. टू टाइम्स साइन थीटा प्लस वन प्लस टू सिक्स टाइम्स साइन थीटा. ब्रैकेट्स ओपन कर. टू साइन थीटा प्लस टू इक्वल्स टू सिक्स साइन थीटा. सारा साइन थीटा एक साइड लेके आ. साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. साइन थीटा वन बाई टू मिल गया तो वापस से सब्स्टिट्यूट कर दे जो अपना जीपी है. तो देयरफॉर जीपी बन जाएगा फर्स्ट टर्म हाफ ही रहेगा साइन थीटा. सेकंड टर्म साइन थीटा को 1 बाय 2 पुट करो. 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 3 बाय 2 नहीं 1 बाय रूट 2 नहीं 3 बाय रूट 2 आएगा शायद. चेक कर. यस सर. ट्रिक
थ्री बाय रूट टू आएगा जिसने भी वन बाय रूट टू बोला, चेक करो वन बाय टू प्लस वन लेके फिर वन बाय टू थ्री बाय रूट थ्री रूट टू बाय टू ऐसे भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन. तो फिर दैट इज है ना, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन रेशियो भी पता चल गया. तो हमें ढूंढना क्या है देखो, that is correct Pratyush, very nicely done. I'll come back in 2 minutes guys. सॉरी परवेज राइट, हर्ष इज राइट, अक्षत सोम यस. सर साइन थीटा के दो वैल्यूज आ रहे हैं. साइन थीटा का दूसरा वैल्यू क्या आया? माइनस वन. ओके दर्श, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. साइन थीटा माइनस वन हो नहीं सकता, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाई? सर फिर थीटा 3 पाई बाय 2 जीरो हो जाएगा. नहीं नहीं, सेकंड टर्म देख, साइन थीटा माइनस वन हो तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा. ओह हां, तो जीपी का कोई टर्म जीरो नहीं. अच्छा अच्छा, That's right, Shreyas. अच्छा किया बहुत लोगों ने. Okay, now finally हो गया क्या Kevin, Shreya? A का वैल्यू हाफ है, R का वैल्यू थ्री रूट टू आएगा और फिफ्थ टर्म इज टी फाइव इज ए इंटू आर रेस टू फोर, तो हाफ इंटू थ्री रूट टू पावर फोर सिंप्लीफाई करना है. कितना आ रहा है आंसर? नहीं किया 162 आता है. 162 सर, 162 इज राइट. आदित्य फॉलो कर रहे हो क्या? और विधि, आर यू देयर? यस सर. एक आंसर भी नहीं दिया आज. हितेश? यस सर. ओके, और अयमन, मीशा आंसर्स नहीं आ रहे हैं? मिशा आर यू देयर? अनम्यूट भी है, इट्स लाइक यू हैव स्लेप्ट. मोक्ष फॉलो कर रहे हैं क्या? हाँ सर. सर वो अनम्यूट नहीं, ऑडियो डिस्कनेक्ट है सर, पता नहीं. अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा था. तो मोक्ष, प्रेरक, नयन? मैं हूँ सर. हाँ हाँ, या नया टॉपिक है, डाउट होगा तो पूछ लो, ट्रिग्नोमेट्री को भूल के.
सेम विथ रुचा क्रिश ऑल्सो उत्कर्ष थोड़े लोग बात ही नहीं किया ठीक है इस बार अच्छा है कि कम लोग बात नहीं कर रहे हो बाकी लोग सब लोग बात कर रहे हो ओके 162 हो गया नेक्स्ट 162 वाज़ द प्रीवियस आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डिड यू गाइस राइट द क्वेश्चन सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या yeah. किया yes, sir. लिख लिया क्वेश्चन हाँ सर ओके नाउ Let A n be the nth term of a GP. That is natural. A1, A2, A3, so on until GP है. और ये कुछ information दे रखा है. हाँ मीशा. Yes, yes. Okay. तेरा. Okay, okay. समझा मुझे. That's right, Shaurya. Nicely done. What you are completing the notes? ये मतलब ठीक है. बोर्ड बोर्ड देख के फॉलो कर रही हो कि नहीं मीशा ओके नेक्स्ट ये वाला बताता हूं बताऊं या वेट करूं दो मिनट सर क्वेश्चन का फाइन क्या करना है वो ही नहीं समझा ठीक फाइन कॉमन रेशियो Common ratio of the GP. Okay. Find common ratio of the GP in terms of alpha beta. I'll start. अभी ऑलरेडी दे रखा है ए टू प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स प्लस ऑन अंटिल ए टू हंड्रेड इसका वैल्यू अल्फा दे रखा है इसका वैल्यू अल्फा दे रखा है तो ए टू को क्या लिख सकते हो सर ए आर हाँ फर्स्ट टर्म ए वन इंटू आर लिख सकते ए टू इज बेसिकली ए वन इंटू आर दैट्स राइट आर्यन दैट इज करेक्ट That is correct. एक सेकेंड किसने भेजा पर that is correct. Okay, A2 is A1 into R. What do you think A4 will be? Or A3 into R. That is a very nice thing to say. हर्ष ने क्या बोला A4 मतलब देखो A1, A2, A3, A4 ये सब GP में है तो basically GP का मतलब देखो A1 को R multiply करेंगे तो A2 आएगा A2 को R multiply करेंगे तो A3 आएगा And so on. That is the procedure. So what he's saying is A4 can be written as A3 into R. A4 can be written as A3 into R. Similarly, A6. A6 can be written as A5 into R. Is everybody following this? Yes, sir. देखो, किसको नहीं समझा? सर मुझे. So हम हाँ. देखना, GP है ना? GP का मतलब ही क्या है? जीपी का मतलब है कि प्रीवियस टर्म को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा कॉमन रेशियो तो A4 आएगा A3 को R मल्टीप्लाई करने के बाद तो A4 को लिख सकता हूँ A3 इंटू आर सिमिलरली A6 को लिख सकता हूँ A5 इंटू आर ऐसे लास्ट में A200 को क्या लिख सकता है A199 into R. ओके इन सब का एडिशन अल्फा दे रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कॉमन आएगा सर R को कॉमन ले लेंगे R टाइम्स बचेगा क्या सर A1 plus A3 plus A5 नीचे वाला बीटा A1 plus A3 plus A5 वाला बीटा बोल रखा है तो R into beta is equals to alpha और therefore R is equals to alpha divided by beta So that is the answer. It's very nice that there are 10 to 15 students who did this question, which is very, very good.
चलेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉपी कर लो इसको। ये इस हफ्ते का कौन सा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है कि और एक लेक्चर भी है कल या कभी? लास्ट लास्ट लेक्चर। ओके ओके, तो वीकली लास्ट लेक्चर रहेगा मतलब मेरा। ब्लू हाउस में भी तो था। हाँ ब्लू हाउस में है, कल ब्लू हाउस का कल है। नहीं सर, इससे पहले वाला ब्लू हाउस। हाँ पहले वाले ब्लू हाउस में था तू, तो वो भी लास्ट दोपहर को, सैटरडे को लास्ट लेक्चर था। हाँ सैटरडे आफ्टरनून रेड में तो फर्स्ट सैटरडे आफ्टरनून का सबसे हैप्पी लेक्चर होता था, बिकॉज लास्ट लेक्चर ऑफ द वीक था ना, वीक रहता है ना, तो इट्स लाइक तुम्हारा 6 से 8 का भी होता था क्या लेक्चर? 6 टू 8? नहीं सर, रेगुलर लेक्चर्स तो कभी नहीं। okay. मेरा होता है सीनियर्स के साथ, उसमें थोड़ा सा थक के आते हैं सुबह से लेके शाम। सर ग्रीन हाउस का होता था पहले 6 से 8? किसका होता था? ग्रीन हाउस का। हाँ ग्रीन हाउस का तो होता था ना शाम को। अच्छा ये टाइमिंग अच्छा है 11 से रिलेटिवली। यस सर। हाँ ऋषि आएंगे ना ऐसे क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन बहुत टफ था क्या या समझ में आया? टफ तो है आई एग्री, बट सॉल्यूशन तो समझ में आना चाहिए। अच्छा इजी लगा तो चलो अच्छा है, इजी लग रहा है। ओके नेक्स्ट। और एक चीज इन जनरल जब मैं चैटिंग करता हूँ बहुत सारे लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं। ओके मीशा समझा मैं, तो आई डोंट माइंड इफ यू गाइस पोस्ट चैट इन चैट टू एवरीवन आल्सो, मतलब सो दैट एवरीबॉडी विल इन्वॉल्व विद द कॉमन जोक्स। ओके अनदर थिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एपी की तरह सम ऑफ ए जीपी, sum of a GP up to n terms. Just for our information, sum to n terms of an arithmetic progression was n by 2 times 2a plus n minus 1 into d. n by 2 times 2a plus n minus 1 into d. Okay, Misha. Okay, now sum of a GP chahiye matlab first term a rahega, second term ar, third term ar square. Aise karke sabko addition chahiye. Nth term will become a into r raised to n minus 1. In sabko addition chahiye. In sabko addition ko let us call it as s. Let us call it as s. Okay. Does anybody remember sum of arithmetic progression kiya kaise tha? How did we prove sum of arithmetic progression? Sir, last se first tak likha tha. Sir. Last se first tak likha. First to last ki jagah last to first likha tha. Ulta karke likha tha. और फिर ऐड कर दिया था। यहाँ पे उल्टा करके लिखने पर फायदा नहीं है एक्चुअली, इसको डिराइव करने का एक और तरीका है। ये तरीका भी अच्छा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इस पूरे सीरीज को, उस पूरे सीरीज को हम लोग कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ आर ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट हम ए को आर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा ए आर। ए आर को ए के नीचे नहीं, जस्ट टू मेक इट लुक नाइस, ए इंटू आर को यहाँ पे लिख रहा हूं ए आर के नीचे। नेक्स्ट टर्म ए आर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए आर स्क्वेयर, नेक्स्ट ए आर स्क्वेयर का मल्टीप्लीकेशन ए आर क्यूब होगा। ऐसे करके लिखेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगा? ए इंटू आर रेस टू एन। करेक्ट, ए इंटू आर रेस टू एन, आर मल्टीप्लाई किया पूरा सीरीज को। अब इन दोनों सीरीज को क्या करना चाहिए मुझे? ऐड करके क्या फायदा? सब्ट्रैक्ट करके फायदा हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो? कुछ कॉमन आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो? s into r minus 1, r minus 1 की 1 minus r, सॉरी 1 s into 1 minus r। राइट हैंड साइड बता सकते हो कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये a का a ही आ जाएगा, फिर ये प्लस ar माइनस ar कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए आर स्क्वायर और माइनस ए आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सर माइनस ए इनटू आर रेस टू एन। करेक्ट करेक्ट, सो बस इसको थोड़ा सा वी आर गोइंग टू मेक इट लुक प्रिटी। एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए कॉमन निकाल देंगे, ए टाइम्स वन माइनस आर पावर एन, वन माइनस आर पावर एन, और ये वन माइनस आर को डिवाइड कर दूंगा, सो होल डिवाइडेड बाई वन माइनस आर।
this is the sum of a GP. This is the sum of a GP. Also, in this question, can R be equals to 1? No, sir. R cannot be 1. Achha. एक बार तुम लोग लॉजिकली सोचो, कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाए, कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाए, फर्स्ट टर्म ए रहेगा, सेकंड टर्म बी ए ही रहेगा, थर्ड टर्म बी ए ही रहेगा, एन टर्म्स का एडिशन क्या हो जाएगा, एन ए तो आर इक्वल टू 1 के लिए स्पेशल लिख देंगे अलग से एन ए, बट आर 1 नहीं हुआ तो वी कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस फॉर्मूला. सर हाँ बोलो. Sir, but the condition should be that r raised to n should be less than 1, no? Why? Sir, if a raised to, means 1 minus r raised to n would be, means negative, then this would not be true, no? Kyun nahi? Denominator bhi negative hoga. जो रटा हुआ है वो भी मैं बताता हूँ. तो ये बेसिक फॉर्मूला ही है ना. हाँ हाँ ये फॉर्मूला है. यस मीशा, डेरिवेशन से ज्यादा फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है. ऐसा लग रहा है हर्ष का ही और भी कोचिंग करके आ रहा है. वाह ऋषि, तू पेंटर है क्या? नहीं सर. अब तूने व्हाट्सएप तूने ही किया ना? हाँ. तो पेंट तो किया इतना अच्छा? अरे ऐसे ही हो गया. सही है. किस पे पेंट किया? सर वही मतलब पेपर वो ड्राइंग बुक आता है ना उसमें. अच्छा वो मुझे लगा कैनवास पे तो नहीं किया. लाइक माय वाइफ आल्सो पेंट्स, तो वही मेरे घर पे यहाँ पेंटिंग वेंटिंग रखे हुए. बहुत पेशेंस का काम है बट एंजॉय भी करते हैं. और कोई है क्या पेंटर क्लास में? क्या सर? और कोई पेंटर है क्या क्लास में, पूछ रहा था. हाँ सर मैं खुद हूँ. ओके ओके. चलेगा. इज इट डन एवरीबॉडी? सर ओके. हाँ ऋषि. ओके मैं इरेज कर रहा हूं इसको. एवरीबॉडी डन राइटिंग नाउ? जैसे जो हर्ष ने बोला वो भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूं. तो अभी थोड़े बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से इसी फॉर्मूले को थोड़ा लेंदी तरीके से लिखा है. यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी से आई एम टेलिंग इट. टू मेनी फॉर्मूले टू रिमेम्बर हो जाएगा. बट अभी देखो, सबसे पहले ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर और a into r raised to n minus 1 by r minus 1. इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर, बस minus 1 से मल्टीप्लाई किया. यस, माइनस ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे वाले को भी चेंज किया, तो वैल्यू सेम है. तो बुक्स में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेडली ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 होगा तो ये यूज करो, मॉडुलस ऑफ r ग्रेटर देन 1 होगा तो ये यूज करो करके बता रहे. और अगर r का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगा तो n into a यूज करो, ऐसे करके बुक्स में लिखते हैं. सम ऑफ अ जीपी, सम ऑफ अ जीपी. यू वांट टू कॉपी इट डाउन तो कॉपी कर लो, बट ऑफ कोर्स तुम लोग फर्स्ट यूज करो या थर्ड यूज करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है. सर बोलो. तो ना सर मॉड ऑफ आर लेस देन होगा सर, मतलब अरे खाली जीरो ही हो सकता है. ले लिए, 1 से कम होगा तो ये यूज करो, 1 से ज्यादा होगा तो ये यूज करो करके बता रहे. तो मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होता है. हां 1 भी पॉजिटिव ही होता है. मॉड आर का वैल्यू हाफ हुआ तो जो भी. हर्ष तेरा डाउट क्लियर हो गया क्या? सिली डाउट, तूने कहीं पे ये पढ़ा होगा तो इसीलिए तू पूछ रहा होगा. सर
हाँ बोलना लक्ष्य सर, सिर्फ पहला वाला ही यूज करना है ना, मतलब लगभग हर समय पहला वाला ही यूज करो चलेगा, जो एग्जाम में जो लगे, ये लग रहा है ये याद है तो ये यूज करो, थर्ड वाला यूज करो तो वो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, जस्ट रियलाइज की सेम ही है। इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे जस्ट फॉर आवर मोर क्लैरिटी। ये बताओ 0.1 पावर इंफिनिटी कितना होगा? हाँ अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 0, बिकॉज 0.1 को स्क्वेयर करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, 0.01 इज मोर स्मॉलर, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ऐसे व्हाट अबाउट 1/3 पावर इंफिनिटी? जीरो, वो भी जीरो हो जाएगा। तो अगर अगर मैं अगर आर का वैल्यू वन से छोटा है, मैग्नीट्यूड उसका वन से छोटा है, आर का वैल्यू वन से छोटा है, अरे इसमें एक सेकंड, यहाँ पे जीरो लेस देन लिख देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ आर अगर लेस देन वन है, मॉड्यूलस ऑफ आर अगर लेस देन वन है तो मॉड्यूलस ऑफ आर पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी कर देते। तो एस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो एस इन्फिनिटी का की बात करे तो कैन यू गेस सी हियर, एस इन्फिनिटी कर रहे और मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन वन है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन वन और इन्फिनिटी तक कर रहे, तो n का वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? a इनटू 1 माइनस 0। यस, a इनटू 1 माइनस 0 होगा। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट। r रेज़ टू n का टर्म 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। हाँ, तो दिस इज एन अनदर फॉर्मूला, s इनफिनिटी, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम टू इनफाइनाइट जीपी, तो दैट इज द नेम ऑफ दिस। इसको याद रखो, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जीपी का ऑलमोस्ट थियरी खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में भी इसी का प्रैक्टिस करेंगे। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी इज ए बाय 1 माइनस आर। दिस इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट्स ओनली इफ रेशियो इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा तो व्हाट डू यू थिंक इनफिनिट जीपी का वैल्यू होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि वैल्यू रेशियो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा होते जाएंगे टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हो गया तो बताना, मेनली इस वाले स्क्रीन पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, एस इनफिनिटी, इसके प्रीवियस में जो लिखा था वो एस सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। सर डन डन, ओके चलो राइट ऑन। ओके राइट ऑन, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम 1 plus 2 plus 2 square dot 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 until 2 raised to 9. Find the sum 1 plus 2 plus 2 square so on until 2 raised to 9.
इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट टर्म्स है. तो फर्स्ट थिंग ए का वैल्यू वन है, फर्स्ट टर्म वन है. कॉमन रेशियो भी साफ दिख रहा है, कॉमन रेशियो कितना लिया, टू. सो हम गलत बताए आंसर. नाउ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ढूंढ रहे हो? 10. सिद्धार्थ करेक्ट, हर्ष करेक्ट. कैसे ढूंढ रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स? तो 10 टर्म्स होंगे. कैसे कैसे? तो 2 into n minus 1 हो जाएगा ना. हाँ, वो लोग कह रहे कि जनरल टर्म लिख सकते हैं. जनरल टर्म रहेगा a into r raised to power n minus 1, that is the nth term. तो nth term का वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 raised to 9 दे रखा है. nth term का वैल्यू 2 raised to 9 दे रखा है. तो can observe that n का वैल्यू 10 आना चाहिए. n का वैल्यू 10 है. Now just plug it in this formula. जल्दी करो. सोहम गलत है, हर्ष सिद्धार्थ करेक्ट, पर्व प्रत्युष तने करेक्ट, श्रेयस गलत हो गया, शौर्य करेक्ट. सर हाँ बोलना तने. सर हम लोग ये n इक्वल टू 10 से फाइंड कर रहे हैं, उसके बदले हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना, चलेगा ना? हाँ हाँ, 2 रेस्ट टू 0, 2 रेस्ट टू 1, 2 रेस्ट टू 2, 2 रेस्ट टू 9 दिखा. यस हाँ सर, मतलब डायरेक्टली कैलकुलेटर के स्टेप्स नहीं बताएंगे, चलेगा ना? हाँ हाँ जरूर, स्टेप्स नहीं लिखेगा तो जरूर चलेगा. ठीक है सर. सर बोलो. सर एक बार आप वो वाला एक्सप्लेन कर दो ना, 1 into 2 पावर n माइनस 1. nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? किसको डाउट था ये? मुझे. लक्ष्य. हाँ, nth टर्म का जी, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? तो अनम्यूट करके बात करना, शायद तू म्यूट करके बात कर रहा है. हाँ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है जीपी का? nth टर्म रिफर कर ले, नोट्स अभी सामने रहेगी. तो nth टर्म ऑफ अ जीपी, nth टर्म मतलब जनरल टर्म. हाँ सर. क्या है? दस बार पूछ दिया मैंने. nth टर्म ऑफ अ जीपी देख के बता ना. आर्यन, श्रेयस, दर्श, विधि करेक्ट है, सोहम भी करेक्ट, संजना करेक्ट, अक्षत करेक्ट, शौर्य आल्सो राइट. लक्ष्य बता रहा है कि नहीं? मिल नहीं रहा है. अबे यार, जीपी स्टार्ट किया, हेडिंग कहीं पे लिखा होगा. nth टर्म मतलब tn मेरे भाई. अच्छा हाँ. क्या है? मान्या गलत है, वो भी नहीं मिल रहा है. हाँ वो मिला. क्या? tn equals to a into r n power power n minus 1 n माइनस वन. हाँ तो ए क्या है इस क्वेश्चन में? ए वन है और आर टू है, फिर हो जाएगा. हाँ ए वन है, आर टू है, पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये लास्ट टर्म टी एन है, इसको एनथ टर्म करके बुलाते हैं जस्ट. तो टी एन ये है, तो टी एन टू रेस टू नाइन है, तो एन का वैल्यू उससे निकाला पहले. ओके सर. अच्छे से समझना, नहीं आया तो वापस से पूछ. इट्स नॉट लाइक मैं स्क्रीन के बाहर आके मार सकता हूं. तो पावर इक्वल किया, 2 रेस्ट टू 10 माइनस 1 और 2 रेस्ट टू 9 है, तो पावर इक्वल किया तो n माइनस 1 का वैल्यू 9 आया. उसके बाद समझ गया. ओके ओके. थोड़े लोगों ने आंसर रॉन्ग भेजा, मानिया. फिर इसके बाद बता sn क्या किया फॉर्मूला, 1 into क्या लिखा? क्या यार, इतना सिंपल मिस्टेक. 1023 इज द आंसर. 1023 इज द आंसर. ओके. ऐसा एक आई डोंट नो, एक फेमस सा वो था स्टोरी टाइप्स की, जिस बंदे ने चेस इन्वेंट किया, किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम एंड ही सेड कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए. तो उसने बोला चेस बोर्ड पे जितने स्क्वेयर्स है, पहले स्क्वेयर पे एक दाना वन ग्रेन ऑफ वीट रखो, सेकेंड स्क्वेयर पे टू ग्रेन ऑफ वीट रखो,
थर्ड ग्रेन पे फोर ग्रेन ऑफ थर्ड स्क्वेयर पे फोर ग्रेन ऑफ वीट रखना, फिर चौथे वाले पे आठ ग्रेन, तो ऐसे करके सबको ऐड करके मुझे दे दो करके उसने बोला। तो किंग ने हंसा कि इतना इतना चिंदी गिफ्ट मांगा तूने, तो बट ऐड करने जाओ तो मतलब बेसिकली फर्स्ट स्क्वायर पे वन, सेकंड स्क्वायर पे टू, थर्ड स्क्वायर पे टू स्क्वायर, टू क्यूब, ऐसे करके लास्ट स्क्वायर पे कितना होगा 2 to the power 64 सबको इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर ऑलमोस्ट, मतलब सम ऑफ जीपी यूज करेंगे तो a into 1 minus 2 raise to 64 आएगा, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, 2 raise to 64 इज सच अ ह्यूज नंबर कि दुनिया में ही उतने ग्रेन्स नहीं है पूरे वर्ल्ड में ही। सो दैट वाज अ स्टोरी, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट और नॉट। यस सर। चलेगा, रेडन वन मोर क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1/3 + 1/3² + 1/3³ ... ……infinity Find the sum of the series this. अभी infinite terms है, अक्षत नहीं, हर्ष करेक्ट, संजना करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, ऋषि करेक्ट, सोहम करेक्ट, श्रेयस करेक्ट, ऋषि टाइपिंग एरर हो गया शायद, दर्श करेक्ट, विधि करेक्ट, प्रत्युष करेक्ट। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बताया था ए बाई वन माइनस आर, दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेम्बर। देखना लक्ष्य तने उसका रेसिप्रोकल आ रहा है आंसर, आर्यन उसका डबल आएगा आंसर, शौर्य करेक्ट, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य देखना फॉर्मूले में क्या सब्स्टिट्यूट किया एक ही जगह, सर वो मैंने गलत पता चल गया, वन बाय वन माइनस वन बाय थ्री, पर्व करेक्ट, मानव करेक्ट, तनय करेक्ट, अक्षत करेक्ट, वन बाय टू बाय थ्री इज थ्री बाय टू, सो इससे इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा आंसर। चेक करना आर्यन क्या मिस्टेक कर रहा है, उत्कर्ष करेक्ट, आर्यन कॉमन रेशियो रॉन्ग लिया क्या, ओके ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नेक्स्ट वन, एरेस कर दूं? यस सर, यस सर, ओके, हेड ऑन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स of a GP is the sum of first three terms of a GP is 19 and their product is 216 find the sum to infinite terms. Find the sum to infinite terms. Bracket में if it exists. Find the sum to infinite terms if it exists.
थ्री टर्म्स इन अ जीपी कैसे अज्यूम कर रहे हो? सर ए बाय आर, ए एंड ए आर, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग टू ऑब्जर्व. लेट ए बाय आर ए ए आर बी फर्स्ट थ्री टर्म्स. It is given that A by R plus A plus AR is 19 and A by R into A into AR is 216. ये given है. Sum of the three terms and product of the three terms दे रखा है. दर्श तेरा डिस्प्ले पिक किसका है? सर हाईक्यू का. अच्छा हाईक्यू का है क्या? हाँ सर. तो मास सर हाईक्यू का उसका. तो मास्क है तो आई डोंट नो, आई डिडंट नो नोटिस. हाईक्यू का. ओ इनारिसाकी का कैप्टन है. ओ अच्छा अच्छा. तू बहुत पर वो रॉन्ग है यार. तू बहुत हार्डकोर फैन है क्या हाईक्यू का? फर्स्ट एनिमे वही देखा था. तो सबका कोई ना कोई फैन है. तुम में से कोई वन पीस देखता है क्या? वन पीस नहीं. सर बोलना हर्ष. सर तो इसमें सिर्फ सम टू इनफाइनाइट सीरीज ही ढूंढना है ना? हाँ आया तो मैसेज कर. और हर्ष तेरे स्कूल वाले अभी तुम्हारे तेरे स्कूल वाले हैं क्या इस बैच में? हाँ सर बहुत सारे. कौन कौन? सर दर्श गर्व पर सब इधर ही है अभी ग्रीन हाउस में ही है. तो शुड वी कॉल देम लकी और अनलकी? सर दैट वी नीड टू आस्क अस. या आई नो द आंसर आई गेस सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग हिम. मानव एग्जिस्ट करता है सर. मेरा आंसर करेक्ट है जो भेजा है. कहाँ तेरा मैसेज आया ही नहीं. ओम कौन से बैच में है? सर वो ब्लू हाउस में. अच्छा वो ब्लू हाउस में रुक गया. ठीक है ठीक है. हाँ सो हम उनमें से कौन सा है चेक सोचना कौन सा लेना चाहिए. ओके तने ए का वैल्यू क्या आया? सर नहीं है सर ए का वैल्यू सिक्स. का वैल्यू सिक्स. हाँ, आया ए का वैल्यू सिक्स आया. तो जेट से नहीं आया क्यों बोल दिया? वेट कर रहा था क्या सर पूछेंगे तो नहीं आया बोलेंगे. ओके ए का वैल्यू सिक्स आएगा बिकॉज ए क्यूब इज इक्वल टू 216 आएगा. तो ए का वैल्यू सिक्स आएगा. सिक्स को वापस सब्स्टिट्यूट करो ना फर्स्ट इक्वेशन में. हाँ सर. ए को सिक्स फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना था ना. स्पीड बढ़ा. यस. सिक्स बाय आर प्लस सिक्स प्लस सिक्स आर इज इक्वल टू 19. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए. सिक्स आर स्क्वेयर माइनस 13R प्लस 6 इक्वल टू 0. तो 13 को स्प्लिट करो 9R 4R. सर R 3 बाय 2 हो गया. पूरा करना. क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? सर 3 बाय 2 और 2 बाय 3. दैट इज करेक्ट. थैंक यू. R के दो वैल्यूज आएंगे. R के दो वैल्यूज आएंगे 3 बाय 2 और 2 बाय 3. 3 by 2 और 2 by 3 कौन सा कंसिडर करना चाहिए कौन सा रिजेक्ट कर. हाँ 3 by 2 क्यों? देखना लक्ष्य दो आंसर आएंगे. आर्यन राइट. 3 by 2 क्यों रिजेक्ट हो रहा है? सर इट इज ग्रेटर देन 1 और सम टू इनफाइनाइट कैन ओनली बी बिटवीन 0 टू 1. सम टू इनफिनिटी तभी एग्जिस्ट करेगा. सम टू इनफिनिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम होगा. 1 से ज्यादा होगा तो इन्फिनिट जीपी का एग्जिस्ट नहीं करेगा.
तो आर का वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में. ओके इसका सम टू इनफिनिटी करो. नहीं हो सकता. शौर्य गलत है. पर्व ए का वैल्यू तो करेक्ट है. संजना तूने 3/2 भी लेके कर लिया शायद, इसीलिए वो रॉन्ग yes, आया sir. और दूसरा भी रॉन्ग है. बताओ क्या बोल रहा था हर्ष. नहीं हर्ष गलत है, मानव गलत है. सर एक बार समझ सकते हो 3/2 क्यों नहीं लिया. सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करने का कंडीशन है. क्या कंडीशन है सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करने के लिए. सर मॉड ऑफ आर शुड बी बिटवीन 0 to 1. हाँ मॉडुलस ऑफ आर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए. ओके सर अंडरस्टूड. ओके श्रेयस इज करेक्ट. अक्षत रॉन्ग, पर्व रॉन्ग, विधि रॉन्ग. सर बोलो. सर इसमें 6R² + 6R - 13 ही होना चाहिए क्या. 6R² - 13. हाँ 6R² + 6 - 13R. हाँ प्लस 6R - 13 होगा ना सर. ऐसे वापस से चेक कर कैलकुलेशन क्या कर रहा है. आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6R + 6R² आएगा और राइट साइड भी 13R हो जाएगा. सर 19R हो जाएगा. संजना नाउ यू आर राइट. सर मैंने लिखा है 6R + 6R + 6 = 19 लिख सकते हैं ना सर. हाँ वापस उसके बाद स्लोली बताना. 6R² + 6R + 6 = 19. हाँ 19R आएगा. ये लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर का आर है, राइट साइड नहीं जाएगा क्या. पर्व नाउ यू आर राइट. गुड वन. सोहम सिद्धार्थ गलत है. तो पर्व संजना ने सही भेजा, श्रेयस ने सही भेजा अभी तक. बोलो सर एक आखिरी बार बता सकते हो आपने 3/2 को क्यों रिजेक्ट किया. S infinity, okay, एक सेकेंड लेट मी राइट इट ऑन बोर्ड. एक बार हर्ष करेक्ट, पर्व करेक्ट. ओके S infinity is equals to A by 1 minus R exists if magnitude of R is less than 1. Magnitude of R is less than 1. Since 3/2 का magnitude more than 1 है, so that is why that is rejected. सर पर ऐसा क्यों. क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हुआ, दैट्स राइट, पर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हुआ तो जैसे कि 1 है फिर 2 है फिर 4 है फिर 8 है, ऐसे इनफिनिट टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा. इनफिनिट हाँ वैल्यू देखना बढ़ते जाएगी ना संजना. यस सर. हाँ तो वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते टाइम पे भी हमने आर पावर एन को 0 कर दिया था. हाँ इसीलिए किया था क्योंकि आर का वैल्यू 1 से कम माना था. ओके नाउ कमिंग बैक. नाउ डिड एनीबॉडी, इज एनीबॉडी स्टिल स्टक एट 3/2 2/3. ओके मानव सिद्धार्थ गलत है. सॉरी मान्या गलत है, मानव गलत है, सिद्धार्थ करेक्ट है. सिद्धार्थ करेक्ट है. तने ठक्कर तुझे ही बुला रहा था. दूसरा तने भी है क्या क्लास में. हाँ सर इसलिए मैंने कंफ्यूज हो गया था कि आप मेरे को बुला रहे हो किसी और को. ओके अच्छा. ओके नाउ कमिंग बैक. ख्वाहिश आर यू फॉलोइंग. यस सर. ओके नाउ 3/2 रिजेक्ट हुआ, 2/3 हुआ. अभी हमें सॉल्व करना है सम टू इनफिनिटी. सम टू इनफिनिटी का फॉर्मूला देखो, a अपॉन 1 माइनस r. सम टू इनफिनिटी के फॉर्मूले में a बाय 1 माइनस r में ये a क्या होता है. फर्स्ट टर्म. यस अदर्स आल्सो रियलाइज a हैज टू बी द फर्स्ट टर्म. A has to be the first term. Is your first term small a? No, sir. No. Yes, Manya. First term, Manav, dekho. First term is not small a, Vidhi. First term is not small a. So, what is your first term? Your first term is A by R in this assumption. Your first term is A by R. So, first term ko dhoondna padega. First term ko dhoondna padega. Ye pura main erase kar raha hu. फर्स्ट टर्म को ढूंढना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म हैपेंस टू बी ए बाय आर, तो दैट इज बेसिकली 6/2/3. सिंपलीफाई होके कितना आ रहा है. 9. थैंक यू. फर्स्ट टर्म इज 9. नाउ एस इनफिनिटी इज इक्वल्स टू 9/1 - 2/3. दैट विल बी द आंसर.
दैट्स इट सोहम अक्षत सिद्धार्थ बाकी देखो जो क्लोज बाय आए थे आंसर्स विधि पर अक्षत श्रेय मानव एंड ऑल हर्ष तेरा 12 पता नहीं कैसे आया शौर्य चेक कर ले सर मैंने पहले 4 ले लिया था एज अ फर्स्ट टर्म बट फिर मैंने चेंज करके आंसर भेजा सर ओके ओके हाँ भेजा करेक्ट है शौर्य यस फॉलो करो जस्ट ये कॉमन मिस्टेक है फर्स्ट टर्म का मिस्टेक होता रहता है दैट्स इट ऋषि शौर्य इधर आंसर इज 27 आंसर इज 27 ओके होमवर्क देता हूँ राइट डाउन सर बोर्ड पे लिखना है आपको लिखना है बोर्ड पे लिख सकता हूँ कोई भी चलेगा ओके यस विधि उत्कर्ष जस्ट वेट कर रहा हूँ सबका हो गया क्या ये सम हाँ सर ओके मैंने हॉलेन नाइट से होमवर्क दू क्या कितना होमवर्क कर सकते हो सर वो बुक आपने बुक्स के सेक्शन में भेजा है कि हाँ मैं डिस्कॉर्ड पे भी डाल देता हूँ सॉरी व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ दो मिनट में बुक्स के सेक्शन में भी है वैसे अच्छा नाउ क्वेश्चन बैंक है क्या सबके पास यस सर सीक्वेंस एंड सीरीज का यस सर सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बैंक से मुझे याद नहीं है प्रीवियस होमवर्क तो बस मैं देख के बता रहा हूँ The name of the book is Higher Algebra. The names of the authors are Hall and Knight. इसका मैं एक सेकंड बुक का कॉपी डिड आई पोस्टेड इन द ग्रुप नाउ एक सेकंड नहीं आया क्या ग्रीन व्हाट्सएप पे भी डाल दिया अगर कोई डिस्कॉर्ड पे नहीं है तो कितना होमवर्क कर सकते हो सर आप दो इतना ठीक है ये पीडीएफ का पेज नंबर बता रहा हूं मैं पीडीएफ का पेज नंबर 51 एग्जाम्पल्स 4A ये एपी के ऊपर है एग्जाम्पल्स 4A आई एम जस्ट नॉट श्योर कितना कर सकते हो तुम लोग सर आपने क्वेश्चन बैंक से 20 सम दे दिए तो यहाँ पर मैक्सिमम 20-30 सम बस बहुत हो गया ठीक है हाँ ठीक है तो 1 to 20 आई थिंक दिस मच इज एनफ एपी के सम से 100 सम्स तक दे सकता हूं क्या अगर किसी को इंटरेस्ट है तो 4A के बाद 4B भी कर सकता है ऑप्शनल 4A 4B दोनों कर सकते हो सर कितने क्वेश्चंस ये जो बोर्ड पे लिखा है इतना ही होमवर्क है कंपलसरी जस्ट कैजुअली बता रहा था किसी को करना है तो 4A 4B दोनों कर सकते हो सर पूरा हाँ हाँ ओके और भी चाहिए क्या नहीं सर ठीक है चलेगा ओके गाइस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर बाय सर बाय एवरीबॉडी बाय सर बाय थैंक यू एवरीबॉडी हु स्विच्ड ऑन द वीडियोस थैंक यू सर बाय सर बाय बाय सर हाँ बोलो सर वो आपने ये 4A से होमवर्क दिया है क्या वन सेकंड हाँ मेरा कनेक्शन चला गया हाँ हाँ बोर्ड पे जो लिखा है एग्जांपल्स 4A से फर्स्ट 20 सम्स
और पीडीएफ वो जो आपने वो हॉल एंड नाइट का उससे हाँ पीडीएफ यस हॉल एंड नाइट का यस बुक चाहिए तो भी खरीद सकता है। आर्यन क्वेश्चन बता सकता है क्या सर? मैंने आपको व्हाट्सएप किया था तेरा क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था क्या? हाँ सर एक सेकेंड क्लास में करते हैं। हाँ वो गिवन वो वाला ना गिवन एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। हाँ सर एक सेकेंड वो देखना एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं दो नंबर्स ए और टू बी के बीच में। सबसे पहले एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते तो कॉमन डिफरेंस होता है बी माइनस ए बाई एन प्लस वन राइट। हाँ सर हाँ तो यहाँ पे ए और टू बी के बीच में इंसर्ट किया तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन और 2a और b के बीच में अगर इंसर्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए b माइनस 2a अपॉन n प्लस 1। यहां तक क्लैरिटी आ रही है ना? हां सर। तो इस क्वेश्चन में n अरिथमेटिक मींस a और 2b के बीच में भी इंसर्ट किया और 2a और b के बीच में भी इंसर्ट किया। अच्छा और mth मीन अच्छा ये समझ अभी ये a है ये 2b है बीच में हमने a1 a2 a3 ऐसे करके n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट किए तो a1 का वैल्यू क्या होगा? a प्लस डी होगा। फॉलो कर रहा है? यस yes. a2 का वैल्यू a प्लस 2d होगा। ऐसे am का वैल्यू क्या होगा? a प्लस md। समझ आ रहा है क्या आर्यन? हाँ सर समझ आ रहा है। हाँ तो a प्लस m टाइम्स d d का वैल्यू पुट कर देते 2b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सेम चीज ये वाले ap का भी m है अरिथमेटिक मीन am इज a प्लस md तो वो हो जाएगा स्मॉल a प्लस m सॉरी इसका फर्स्ट टर्म 2a है 2a इज द फर्स्ट टर्म 2a प्लस m टाइम्स d व्हिच इज b माइनस 2a बाई n प्लस 1। अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि दोनों का mth अरिथमेटिक मीन सेम है बोल रहा है सेम है बोल रहा है तो इन दोनों को हम लोगों को इक्वल करना है ना अभी दैट इज द चैलेंज। तो अभी n प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा ए एन प्लस ए प्लस एम बी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टू एम बी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी टू ए एन प्लस टू ए प्लस एम बी माइनस टू एम ए। ढूंढना क्या है? रेशियो कुछ तो ढूंढना था ना? हाँ सर ए बाई बी का रेशियो ढूंढना था तो रीअरेंज कर ले ए कॉमन निकाल बी कॉमन निकाल लाइक ए के साथ समझ गया कि एन प्लस वन माइनस एम फिर ये भी लेफ्ट साइड आ जाएगा माइनस टू एन माइनस टू। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। ए के सारे टर्म्स कॉमन निकाल रहा हूँ इज इक्वल्स टू बी के सारे टर्म्स कॉमन निकाल तो ए बाई बी का रेशियो मिल जाएगा वही है आंसर। हाँ सर कर लूंगा थैंक यू। यस सर हाँ बोलो। मैंने आपको एक सम भेजा था आपने बोला था क्लास में हिंट दे तो कौन सा बता और ट्रिगो का था आपको डिस्कॉर्ड पे डाला था मुझे डिस्कॉर्ड पे डाला था और मैंने क्लास में बोला था क्या करने के लिए। हाँ सर कौन सा क्वेश्चन था? मॉड्यूल के किसी तो एक्सरसाइज का एट था लेट x cos a plus y sin a is equal to k is equal to x cos b plus y sin b। हाँ 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 और sin a sin b cos a cos b वगैरह वो सब पूछा है। हाँ, ना ऑप्शंस में वो है सब। यस यस दर्श उसके लिए ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे लगते हैं। डू यू नो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? माइनस बी बाई और सी बाय सी बाय यस यस। अच्छा ना और एक चीज रूट का मतलब क्या है? मतलब जो वैल्यू डालने पर सॉल्यूशन वैल्यू जीरो है क्वाड्रेटिक वैल्यू जीरो आएगा राइट। तो अभी ये एक्स साइन ए मुझे अच्छे से याद नहीं क्वेश्चन एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए है क्या? एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए एक्स इज इक्वल टू के वाई साइन ए इज इक्वल टू के एज वेल एज एक्स कॉस बी प्लस वाई साइन बी इज इक्वल टू के। तो मैं a और b की जगह थीटा लिख देता हूँ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू k के रूट्स a और b है। अग्रीड?
Yes, sir. Okay. Now, what I'll do is x cos theta is equal to k minus y sin theta करता हूँ. Y sin theta को right side लेके गया. तो square करूँगा दोनों side. तो x square cos square theta is equal to k square minus 2k y sin theta plus y square sin square theta. और वन लास्ट स्टेप में cos square को 1 minus sin square भी लिखता हूँ. x square minus x square sin square theta. ठीक है, मतलब लेजी फील कर रहा हूँ बट यू अंडरस्टूड ना. तो बेसिकली आई विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा, सब कुछ एक साइड लेके आते हैं, माइनस 2ky sin थीटा प्लस k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin थीटा. हां यस सर. इसका सम ऑफ द रूट्स है sin a प्लस sin b. अच्छा हाँ हाँ ओके. इसके सम ऑफ रूट साइन ए प्लस साइन बी है, तो माइनस बी बाई ए है, ये बी है, ये ए है, ये सी है. हाँ. तो साइन ए प्लस साइन बी मिल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट साइन ए इंटू साइन बी मिल जाएगा. दो ऑप्शंस आ जाएंगे उससे. अच्छा. नेक्स्ट टाइम कॉस के लिए कॉस वाला क्वाड्रेटिक बनाना है. कॉस वाला क्वाड्रेटिक बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम एक्स कॉस थीटा को राइट साइड लेके जा और फिर स्क्वेयर कर. ठीक है सर, समझा. समझे ना. दो बार क्वाड्रेटिक बना के सम प्रोडक्ट करना है. समझा. हाँ, ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वगैरह होने के बाद ऑब्वियस लगता है, वो हुआ नहीं है ना अभी. हाँ सर. ठीक है. ओके ओके. चलो बाय दर्श, बाय संजना, विनीत, हिया, अक्षत, आर्यन, ख्वाहिश. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. हाँ ख्वाहिश, डाउट है तो पूछो यार. यू डोंट आस्क मच. नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी. हाँ, आंसर्स आ रहे, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. ओके ओके ओके, चलेगा. बाय बाय.